चश्मे के अंदर, वो दूरानी चेहरे भी हमारे दरमियान है कि जिनको देखना इबादत है। बालाए कायनात के चेहरे की जियारत इबादत है, लेकिन इसी हवाले से अक्सर मैं जुमला कहता हूं कि चेहरे की जियारत तो पैगंबर ने और कई शख्सियतों की इबादत करार दी, मौला के चेहरे की जियारत की अली का सवाल नहीं। तो अली के तो पैरों को देखना भी इबादत बनता है, जो फैजल के हवाले से अक्सर मैं कहता हूं, लेकिन आज मैं इधर उधर नहीं हट रहा। चेहरे की जियारत, आलिम के चेहरे की जियारत को भी इबादत करार दिया गया, वालिदैन के चेहरे की जियारत को भी इबादत करार दिया गया, मगर इन सब के साथ हज करके वापस आने वाले, हज इस्लाम की निगाह गदीर खुम के बराबर वाला एक मरहला, हज और गदीर इन दोनों का चुनी दामन का साथ, हज और गदीर इन दोनों का पैगाम बिल्कुल मुश्तरक। हज नाम है इस चीज का कि इस दुनिया जगह के एतबार से एक मरकज होना चाहिए, गदीर नाम है इस चीज का कि इस दुनिया में शख्सियत के एतबार से एक मरकज होना चाहिए। जो पैगाम हज के हवाले से दिया जाता वही पैगाम गदीर के हवाले से दिया गया, या अली मसलों का मसलों का आयनी तेरी वही मिसाल है जो खाने काबा की मिसाल है, और इस बात को अभी आगे बढ़ाऊं तो जो हज करके वापस आ रहा रिवायत में ये कि 4 महीने तक उसके चेहरे को देखना इबादत करार दिया गया, और इस्लाम की अहम तरीन नेकियों एक नेकी इसको करार दिया गया कि इंसान हाजियों का इस्तकबाल करे। हमारे इस मजमे में 3-4 हाजी तो मुझे नजर आ रहे, मैं अपने आप को हाजियों में नहीं शामिल कर रहा हूँ, न लोग मुझे हाजी समझते, इसी जब लोग हज पे गए तो दूसरे हाजियों के साथ जो प्रोटोकॉल बनता गया और एहसान नहीं बनता गया, और जब लोग हज से वापिस आए तो जो दूसरे हाजियों के साथ लोगों के तशरफात थे वे एहसान नहीं थे। और हकीकत भी यही कि अगर आदमी हर साल हज पे जाने लगे तो लोग कब तक उसकी जियारत करते रहेंगे और उसका इस्तकबाल करते रहेंगे। लेकिन मुझे मायूस करते हुए इस मजमे वो नेक वो मुकद्दस वो मुतबर्रिक चेहरे कि जिनको देखना इबादत है बंद, रिवायत में उस रावी का वाकया कि जिसने इजहार अफसोस किया कि उसके हालात ऐसे नहीं है कि वो हज पे जा सके। हाँ ये शर्त है कि हालात ऐसे ना, ये ना हो कि हालात तो मुआफिक है, दौलत तो है, इंसान के पास अपनी हर अय्याशी के लिए पैसे है, बस अल्लाह के घर जाने को दिल नहीं चाहता, वो तो बदकिस्मत, वो तो बदनसीब है, वो तो ऐसा कि जिसकी दुनिया और आखिरत बन सकती है और फिर भी वो इसको अपने हाथ से खो रहा, पता नहीं फिजर का वाकया सही है कि सही नहीं, लेकिन ये आदमी वो है कि आपके हयात इसके करीब मौजूद है लेकिन ये अपने आप को उससे महरूम कर रहा। लेकिन जब वो आदमी आया जिसने कहा कि फजल के रसूल कितना मेरा दिल चाहता कि खुदा कभी मुझे इस काबिल कर दे कि मैं उसके घर की जियारत को जाऊं, मैं खाने काबा की जियारत के लिए तरस रहा हूं, मैं खाने काबा की जियारत के लिए बेचैन। इमाम ने फरमाया कि वाहन अगर मेरा ये जज्बा तो खाने काबा की जियारत करके आने वाले किसी हाजी के चेहरे को देख ले, अल्लाह मुझे इतना ही सवाब अदा करेगा जितना खाने काबा की जियारत का सवाब होगा। और इसी